नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्दियां शुरू हो गई है और इसी के साथ में एक बीमारी जो पिछले कुछ सालों से लगातार हमें तंग कर रही है, वो है स्वाइन फ्लू। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट के अंदर कि स्वाइन फ्लू क्या होता है, किस प्रकार ये फैलता है, किस प्रकार इसकी हम रोकथाम कर सकते हैं, यानी वो कौन कौन से मेजर्स हैं जिससे कि स्वाइन फ्लू कम से कम फैले और हम अपने आप को बचा सकें, और कौन कौन सी प्रिवेंटिव मेडिसिन है जो कि स्वाइन फ्लू के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं होम्योपैथी के अंदर, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देती है, और अगर किसी को स्वाइन फ्लू हो गया हो तो उसके अंदर भी होम्योपैथी का क्या रोल है। दोस्तों, सभी टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम शॉर्ट में समझते हैं कि स्वाइन फ्लू क्या होता है। दोस्तों, जो ये वर्ड है स्वाइन फ्लू, ये अपने आप में डिस्क्राइब करता है कि स्वाइन फ्लू क्या है। स्वाइन का मतलब होता है दोस्तों पिग या सुअर, यानी सुअर या पिग में होने वाली बीमारी, और फ्लू, फ्लू को आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंजा या जुकाम, यानी वो फ्लू या वो इन्फ्लुएंजा या वो जुकाम जो कि पिग या सुअर से फैलता है। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि जो स्वाइन फ्लू का वायरस होता है, ये बेसिकली शुरू के अंदर सुअर या पिग के अंदर पाया गया था और वहाँ से हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आ गया था, इंसानों के अंदर। तो उसके कारण जो बीमारी हुई, जो जुकाम इंसानों के अंदर फैला और जो तेजी से फैलता चला गया, क्योंकि एक वायरस होता है इसके अंदर जो बेसिकली H1N1 वायरस होता है जो कि स्वाइन फ्लू के रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है, इसका संक्रमण जो है ये बहुत तेजी से है। तो आप यहाँ ये भी समझ सकते हैं दोस्तों कि स्वाइन फ्लू कॉन्टेजीनियस है, यानी एक छुआछूत की बीमारी है। अगर किसी एक को हुआ है तो तेजी से दूसरे को फैल सकता है। वायरस डिजीजेज होती है, ये एक दूसरे में तेजी से फैलती है। उसके अंदर भी दोस्तों जो स्वाइन फ्लू है, ये बच्चों में तेजी से फैलता है। वो लोग जो कि थोड़ा बुजुर्ग हैं, एज्ड हैं, यानी कि जो 60 एज क्रॉस है, उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उनमें तेजी से फैलता है। प्रेग्नेंट लेडीज में, यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें स्वाइन फ्लू बहुत तेजी से फैलता है। या वो लोग दोस्तों जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी वो जो लंबे समय से कई तरह की बीमारियों से घिरे हुए हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि वो बीमारी में इसमें जल्दी मतलब स्वाइन फ्लू उनको पकड़ सकता है। खास करके जैसे हम बात करें HIV के पेशेंट्स, यानी जिनको एड्स है या इसकी दवाइयाँ चल रही है, कैंसर वाले लोग, जिनको डायबिटीज़ है, या वो लोग जो ऑलरेडी एस्थमेटिक हैं, यानी सांस से संबंधित जिनको बीमारियाँ हैं, तो नेचुरली उनको जो फ्लू है वो जल्दी पकड़ लेगा। या वो लोग जिनको लंबे समय से कोई भी बीमारी चल रही है और जिनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है, तो उन लोगों को ये जो वायरस है H1N1, ये जल्दी इफेक्ट करता है। दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि स्वाइन फ्लू का वायरस किस तरह से फैलता है। दोस्तों, स्वाइन फ्लू का वायरस बेसिकली खांसने से, छींकने से या एक दूसरे को टच करने से भी फैलता है। दोस्तों, होता क्या है कि मान लीजिए कोई एक पुरुष है या महिला है, उनको अगर स्वाइन फ्लू से ऑलरेडी वो अफेक्टेड है, ये वायरस उनको अटैक कर चुका है, तो जब भी वो खांसेंगे तो उनके मुंह से जब खांसी निकलेगी तो उसके साथ माइन्यूट, बहुत महीन जो पानी के पार्टिकल्स हैं, ड्रॉपलेट्स, बूंदे हैं, वो भी बाहर निकलेगी। उसी तरह से जब वो छींकते हैं तो उनकी छींक के साथ भी कुछ पानी की बूंदे या पार्टिकल्स बाहर आएंगे, ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगे, और उसके साथ के अंदर ये वायरस बाहर आता है। यानी खांसने से और छींकने से जो उनके महीन जो पानी बाहर आएगा, बूंदे बाहर आएगी, सांस बाहर आएगी, उसके साथ के अंदर ये वायरस बाहर निकल जाता है। तो जब वो वायरस बाहर आया तो आसपास के एटमॉस्फेयर में या वातावरण में फैलेगा। तो ये जब वायरस बाहर आया तो वहां पर जितने भी लोग खड़े हैं, वो जब सांस ले रहे हैं तो ये जो सांस लेने से वो एयर उनके अंदर जाएगी और ये इस तरह से आगे से आगे फैलता जाता है। उसी तरह से मान लीजिए कि किसी आदमी ने से जोर से छींका या खांसी ली और कुछ पानी की बूंदें गिर गए, आसपास की टेबल पे गिर गई है, या उनके रुमाल से टच हो गई है, या उनके हाथ से उन्होंने नाक साफ कर लिया, उसी से किसी से हाथ मिला लिया, तो वो वायरस जो है वहाँ से जो है आगे ट्रांसफर हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से ये स्वाइन फ्लू वायरस आगे से आगे फैलता है। यानी ये कोई अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी है और उन्होंने कोई ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, मान लीजिए कि मुझे अगर स्वाइन फ्लू वायरस हो गया है, मैं अफेक्टेड हूँ, मैं खांस रहा हूँ, छींक रहा हूँ, तो मैं जो हैंकी यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर वो वायरस आ गया है, उस हैंकी को मैंने टेबल पे रख दिया तो वो वायरस टेबल पे आ गया, वहाँ किसी ने हाथ लगा लिया तो उनको फैल जाएगा, मैंने मोबाइल को टच किया तो वो वायरस मोबाइल में आ गया, अब किसी ने उस मोबाइल को टच किया तो वो वायरस उनके आ गया, अगर किसी के साथ खाना खाया तो उस सलाइवा जो है आपका मुंह की ड्रॉपलेट से भी फैलता है, तो आपको उनके साथ में खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, यानी झूठा भी एक दूसरे का नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से तेजी से स्वाइन फ्लू फैलता है, तो इन सारी चीज़ों का प्रिकॉशन रखा जाना चाहिए। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि जो सामान्य जो नॉर्मल फ्लू या जुकाम है उसमें और स्वाइन फ्लू में क्या डिफरेंसेज है। दोस्तों, जो सामान्य जुकाम होता है उसके अंदर बहुत तेज सिरदर्द नहीं होता, हल्का फुल्का आप सिरदर्द महसूस करते हैं, जबकि स्वाइन फ्लू होता है इसके अंदर आपको बहुत तेज जो है सिरदर्द फील होगा। उसी तरह से जो सामान्य फ्लू होता है उसमें रूटीन में आपको हल्की फुल्की गले में खराश फील होगी, हल्का सा कि मुझे थोड़ा थ्रोट कंजेशन हो रहा है, लेकिन दोस्तों जो स्वाइन फ्लू होता है उसके अंदर गले में हल्की फुल्की
खराश तो होगी, उसमें आपको गले में दर्द होगा, गले में मतलब तेज होगा, आपको कंजेशन फील होगा गले में, आपको कुछ भी निगलने में तकलीफ होगी, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, और इन सब के साथ के अंदर आपको जो चेस्ट है आपकी उसके अंदर कंजेशन फील होगा। आप तेजी से महसूस करेंगे कि मुझे बहुत तेजी से जो है मेरी सांस लेने की तकलीफ बढ़ती जा रही है, आपको सांस लेने में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। दोस्तों ये कुछ कॉमन लक्षण है, कॉमन सिम्टम्स जो कि स्वाइन फ्लू के अंदर होते हैं। तो अगर इस तरह के कुछ भी लक्षण आ रहे हैं तो आपको इमीडिएटली अपने नजदीकी डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि रूटीन में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस जो कि स्वाइन फ्लू के लिए करवाए जाते हैं। दोस्तों रूटीन की टेस्ट की हम बात करें तो इसमें सीबीसी यानी आपका ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, जिसके अंदर कि आपके डॉक्टर्स जो है आपका प्लेटलेट और बाकी फाइंडिंग्स देखते हैं। आपका चेस्ट एक्सरे करवाया जा सकता है, आपके नोज एंड थ्रोट से स्वैब लिया जाता है और उसको एग्जामिन किया जाता है। एक किट होता है जिससे कन्फर्म किया जाता है कि स्वाइन फ्लू का कन्फर्मेशन है या नहीं है। दोस्तों ये सारे हो गए लक्षण और टेस्ट। अब हम बात करें कि जब स्वाइन फ्लू महामारी के रूप में जब तेजी से फैल रहा होता है तो किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, यानी कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात कि जब भी ये बीमारी फैलती है तो उस टाइम आपको क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना चाहिए, यानी ऐसी जगह पे जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, एक ही जगह जहां बहुत से लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, वहां आपको जाने से बचना चाहिए अगर कोई इमरजेंसी नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर स्वाइन फ्लू का एक आदमी है अगर एक रूम के अंदर और बाकी 100 आदमी है तो ये बहुत तेजी से वायरस फैलता है। अगर वो जोर से छींकेंगे वहां पे खांसेंगे तो वो हवा है जो एयर है वो चारों तरफ फैलेगी और इसका वायरस बहुत तेजी से आपको पकड़ लेगा अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है। तो इस तरह से क्योंकि ये तेजी से फैलता है तो आपको भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट आपका ज्यादा होगा तो उससे फैलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों उसी तरह से लेकिन अगर आपको ऐसी जगह जाना भी पड़े और स्वाइन फ्लू आप जहां रहते हैं उस टाइम अगर ये फैला हुआ है तो आपको मास्क यूज करना चाहिए। आपको मास्क यूज करने से जो डायरेक्ट ड्रॉपलेट्स है वो आपके सांस में या मुंह में नहीं जाएगी। उसी तरह से अगर आपको खुद को भी स्वाइन फ्लू हुआ हुआ है तो सबसे बड़ी बात आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करनी चाहिए और आपको बाहर भी निकलने से पहले अपने डॉक्टर के गाइडेंस में ही रहना है। दोस्तों जब स्वाइन फ्लू फैला हुआ हो तो उस टाइम आप कोशिश करें कि वो लोग खास करके जिनको जुकाम है, तेज खांसी वगैरह हो रही है, उनके गले नहीं मिले या आप हाथ नहीं मिलाएं, इन सारी चीजों से भी थोड़ा सा बचना चाहिए आपको। उसी तरह से जब भी आप बाहर जाके घर आते हो तो आपको हाथ धोने चाहिए, क्योंकि आपने बाई चांस किसी से अगर हाथ मिलाया है और उनको जुकाम भी रहा है या अगर स्वाइन फ्लू रहा है, उनके हैंकी को उन्होंने टच किया ही है, नाक को हो सकता है उन्होंने टच किया हो, खांसी करते टाइम ऐसे किया हो, तो उनके हाथों में वो वायरस रह सकता है और जब आप उनसे हाथ मिलाते हैं तो ये वायरस आपके यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो जरूरी है कि जब आप घर आए या कुछ भी खाना खाएं इस तरह का करें तो इमीडिएटली अपने हाथों को प्रॉपरली धोना है आपको, जिससे वायरस आपके अंदर इंटर नहीं करे। उसी तरह से दोस्तों अगर कुछ भी छींक रहे हैं या खांसी वगैरह आ रही है आपको भी तो प्रॉपरली रुमाल या हैंकी को यूज किया जाना चाहिए। एक दूसरे का जूठा नहीं खाएं, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि सलाइवा से भी एक दूसरे से फैलता है। और अगर आपको खुद को भी अगर इसमें किसी भी प्रकार के इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो आपको इमीडिएटली बेड रेस्ट करनी चाहिए और इमीडिएटली आपको अपने नज़दीक में जाके डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जिससे सारे आपके इन्वेस्टिगेशन हो और ये आगे से आगे बीमारी नहीं फैले। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी के अंदर स्वाइन फ्लू की प्रिवेंटिव मेडिसिंस कौन सी है। दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि CCRH यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी ने आर्सेनिक एल्बम 30 को स्वाइन फ्लू की प्रिवेंटिव मेडिसिन माना है। दोस्तों आर्सेनिक एल्बम 30 कैसे लेनी चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आर्सेनिक एल्बम 30 को दिन में सिर्फ एक बार लेना चाहिए और 3 दिन तक आपको डेली इसकी एक डोज लेनी है। मान लीजिए आप एक एडल्ट हैं तो आपको आर्सेनिक एल्बम 30 की 4 बूंद डायरेक्टली आप टंग पे ले सकते हैं। उसी तरह से छोटे बच्चों को 2 बूंद आप डायरेक्ट टंग पे दे सकते हैं या आप ग्लोब्यूल्स में यानी दानों में मिक्स करके भी ले सकते हैं। यानी आपको पहले दिन लिया, दूसरे दिन लिया, तीसरे दिन लिया, 3 दिन तक लगातार आर्सेनिक एल्बम 30 को दिन में एक बार लेना है। और दोस्तों जब तक स्वाइन फ्लू आपके एरिया में रहता है तो इसको आपको हर महीने रिपीट करना है। यानी मान लीजिए कि आपने नवंबर महीने में 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 3 दिन तक आपने लगातार आर्सेनिक एल्बम 30 दिन में एक बार लेनी है। और अगर स्वाइन फ्लू आपके एरिया में अभी भी है तो आपको दिसंबर में वापस दिसंबर की 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को 3 दिन तक वापस आपको इस तरह से रिपीट करना है। वापस अगर रहता है ये वहां महामारी फैली हुई है तो आप जनवरी में भी इसी तरह रिपीट कर सकते हैं। यानी हर महीने आपको दिन में एक बार 3 दिन तक आर्सेनिक एल्बम 30 लेना है। दोस्तों मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि आर्सेनिक एल्बम 30 के साथ में आपको इन्फ्लुएंजिनम 200 वीकली यानी सप्ते में एक डोज जरूर लेनी चाहिए। और ये आप जब तक आपके एरिया में जो है ये स्वाइन फ्लू रहता है हर सप्ते एक डोज आपको जरूर लेनी चाहिए। जो एडल्ट हैं बड़े हैं वो 4 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं और बच्चों को जो है 2 बूंद आप दे सकते हैं। और ज्यादा बेटर है कि आप उसको ग्लोब्यूल्स या दानों में डाल के भी आराम से ले सकते हैं।
दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी जो कि इसके अंदर स्ट्रांगली रिकमेंड की हुई है, इन्फ्लुएंजिनम 200 और आर्सेनिक एल्बम 30। ये आपकी जो स्वाइन फ्लू है उसके अगेंस्ट में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है। इवन दोस्तों अगर आप ये दोनों मेडिसिन लेते हैं तो जो रूटीन का सर्दी खांसी जुकाम होता है सर्दी के टाइम में, उसमें भी आपको जो है वो बीमारी आपको नहीं पकड़ेगी और आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ी हुई रहेगी। दोस्तों उसी तरह मैं और बताना चाहता हूं कि अगर किसी को स्वाइन फ्लू हो गया है तो भी आप घबराएं नहीं, आपको इमीडिएटली अपने नजदीकी डॉक्टर से अप्रोच करें। और दोस्तों इसके अंदर जो है रूटीन के अंदर हमारे जो मेडिसिन दी जाती है एलोपैथी के अंदर, हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, मेडिसिन भी दी जाती है, उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो अगर आपने डॉक्टर को आप टच करते हो, कॉन्टैक्ट में रहते हो, तो इसके अंदर डेथ या मोर्टेलिटी का एक जो बहुत बड़ा डर रहता है कि स्वाइन फ्लू हो गया तो अब क्या पता डेथ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी इम्यूनिटी बहुत जल्दी से आपकी बॉडी रिकवर करती है, आपको बस सिम्टम आते इमीडिएटली डॉक्टर को अप्रोच करना है। उसी तरह से दोस्तों अगर आपको स्वाइन फ्लू हो गया है तो होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन है जो कि उसके अंदर आप ले सकते हो, वो भी आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगी। दोस्तों पहली मेडिसिन अगर आपको स्वाइन फ्लू हो गया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको इन्फ्लुएंजिनम 200 की रोज एक डोज लेनी चाहिए, यानी आपको 200 डायरेक्टली जो है उसकी 4 ड्रॉप आप डायरेक्टली टंग पे ले सकते हैं या ग्लोब्यूल्स में मिक्स करके भी ले सकते हैं। उसी के साथ में दोस्तों आर्सेनिक एल्बम को 200 पोटेंसी के अंदर आपको दिन में 4 बार लेना चाहिए। आर्सेनिक एल्बम 200 दिन में 4 बार डायरेक्ट टंग पे या ग्लोब्यूल में मिक्स करके ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है जेलसीमियम 200, उसको भी आपको दिन में 4 बार लेना चाहिए डायरेक्टली टंग या ग्लोब्यूल्स में मिक्स करके। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्बा 200, उसको भी आपको दिन में 4 बार लेना चाहिए डायरेक्टली टंग या ग्लोब्यूल्स में मिक्स करके भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर स्वाइन फ्लू आपके एरिया में फैला है बिल्कुल भी नहीं घबराएं, आप प्रिवेंटिव मेडिसिंस लीजिए जिससे आपको होगा ही नहीं और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बन जाएगी। और अगर हो भी गया है तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं, आप अपने नजदीकी डॉक्टर से जाके मिले, प्रॉपरली ट्रीटमेंट लें और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिंस भी आप लेते हैं तो और जल्दी रिकवर हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज जो स्वाइन फ्लू पे मैंने आपको जानकारी दी है आपको पसंद आएगी और लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।